हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग द गौरव वारियर शो। और जैसा कि होता है, हम खास मेहमान लेकर आते हैं, खास अचीवर्स जिंदगी के आपके सामने लेकर आते हैं। उनकी जिंदगी के बारे में आपको कुछ ना कुछ हम बताते हैं। मेरे सामने आज है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, डॉक्टर वी के सारस्वत। ये चेयरमैन DRDO रह चुके हैं, ये इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं, इंडिया के मिसाइल मैन हैं, और उनके बारे में जानेंगे, पृथ्वी मिसाइल के बारे में जानेंगे और कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो वेयर योर सीट बेल्ट्स, लेट्स स्टार्ट। सर, जयंत सर, और हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपके शुरुआत के दिन कैसे रहे, पैदाइश आपकी कहाँ की है और कैसे पढ़ाई शुरू करी, साइंटिस्ट बनने का जज्बा कहाँ से आया सर? देखिए, मेरा जन्म ग्वालियर के पास एक जगह है मुरैना, जी वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। पर 6 महीने के बाद हम लोग ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे, तो हम लोग शुरू से ही ग्वालियर में रहे और मेरा बचपन जो है ग्वालियर में ही बीता। जहाँ तक मेरा पढ़ने लिखने का सवाल है, जैसा कि मुझे बताया जाता है और जो कुछ यादें मुझे भी हैं, कि मैं पढ़ने के लिए मुझे ज़बरदस्ती भेजा जाता था। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था स्कूल जाने में। एक दो बार पेरेंट्स ने मुझे स्कूल भेजा, टीचर ने मुझे कहा कि इसमें आप च लिखो, मैंने ज लिख दिया, उसने मेरा कान खींच लिया, तो मैंने उसको स्लेट से मार दिया और मैं भाग के आ गया। तो उस दिन के बाद हमारे पिताजी ने बोला, बेटा तुम घर में ही पढ़ो। तो उसका दिन था, और उसके बाद जब मैं 8 साल का हुआ तब तक मैं स्कूल नहीं गया, और घर में मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे, जो मेरे बड़े भाई थे और बड़ी बहनें थीं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। और एक दिन ये डिसाइड किया गया कि अब बहुत बड़ा हो गया ये, इसको अब स्कूल में डालना चाहिए। तो मेरे पिताजी ने डिसीज़न लिया कि इसको पढ़ाया जाए पहले। तो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मेरे फादर टीचर थे, तो उनकी छुट्टियां हुई तो उन्होंने क्या किया, मेरे सब भाई बहनों को मेरे अंकल के घर डिस्पैच कर दिया, और मुझे 3 महीने छुट्टियां, उस समय 2.5-3 महीने की होती थी, तो उस समय उन्होंने मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी 3 सब्जेक्ट पढ़ाए। और 8 जुलाई 1957, मुझे अभी भी याद है, वो मुझे वहाँ के एक मिडिल स्कूल, उसका नाम है जनकगंज मिडिल स्कूल, वो अभी भी है, वहाँ लेके गए। तो वहाँ उनके एक मित्र हुआ करते थे, महादेव प्रसाद श्रीवास्तव, वो हेडमास्टर थे। तो हमारे पिताजी काफ़ी रेस्पेक्टेड पर्सन थे ग्वालियर में, क्योंकि पुराने टीचर रहे थे तो सब लोग जानते थे उन्हें जी। तो वो हेडमास्टर साहब खड़े हो गए, बोले, गुरुजी आप कैसे आ गए? बोले, ये देखो मेरा बेटा है, इसको तुम 6th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे दो। हाँ दे देंगे। इसके सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट मैं हूँ, अपनी तरफ उंगली उन्होंने की। उसके बाद छोटा सा टेस्ट वेस्ट लिया गया और मेरे को 6 में एडमिशन दे दिया गया। इस तरह से मेरी स्कूली पढ़ाई शुरू हुई, अदरवाइज उसके पहले मैं स्कूल नहीं गया था। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये तो स्कूल की पढ़ाई आपकी हो गई, ये जो साइंटिस्ट का सफ़र है, ये कहाँ से शुरू हो गया सर आपका? उसी टाइम में 8-9 साल की उम्र में, जब मैं 8वीं क्लास में था, तो उस समय मेरे पिताजी ने एक सवाल मुझसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो। मेरा एक बहुत पुराना ख्याल ये रहा था कि मुझे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से बहुत प्यार था, और ये बात सबको मालूम थी, कि क्योंकि जब भी दिवाली आती थी तो मैं दिवाली के टाइम में रॉकेट ज़्यादा खरीदता था, हवाई जहाज ज़्यादा खरीदता था, बॉम्ब कम खरीदता था या और कोई पटाखे नहीं खरीदता था। एंड आई वॉज क्रेजी अबाउट इट, लॉन्चिंग रॉकेट्स एट दैट टाइम इटसेल्फ वाज माय हॉबी। 1957-58 में यूरी गागरिन वेंट टू द स्पेस फर्स्ट टाइम। हमारे घर में हिंदी का न्यूज़पेपर आता था हिंदुस्तान, उसमें फर्स्ट पेज पे यूरी गागरिन का विद दैट कॉस्मोनॉट ड्रेस में उनका फोटो था। इट रियली ट्रिगर्ड इनसाइड मी दैट आई शुड बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो जब 8वीं क्लास पर पास करने के बाद मेरे पिताजी ने ये सवाल पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने सीधे सीधे कहा कि मैं तो इंजीनियर बनूंगा। तो उन्होंने, क्यों? मैंने कहा मुझे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में काम करना है, और दूसरी चीज़ एक मैंने उनसे कही कि इंजीनियर्स के पास कार होती है, क्योंकि उनके एक दोस्त इंजीनियर थे, उनके पास कार थी। उस ज़माने में कार बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, किसी के पास होती नहीं थी। उनके एक चीफ इंजीनियर दोस्त थे, वो हमारे घर आते थे तो कार में आते थे, तो हमको बड़ा लगता था कि इंजीनियर बनने से आप जो है ना कार रखेंगे। ये 2 कारण थे जो मुझे इंजीनियरिंग की तरफ लेके गए,
और वहीं से मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं कुछ रॉकेट्स के एरिया में काम करूँगा। खैर उसके बाद हमारी पढ़ाई हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए, बीएससी किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो गए। एक बड़ी बात ये हुई कि हमने, क्योंकि हमारे पिताजी ने 8वीं क्लास में एडमिशन करा दिया था, तो हमने 14 साल की उम्र में 11वां क्लास पास कर लिया, और वो भी काफ़ी अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड से। पर उस समय 16 साल उम्र होती थी इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो हमें 2 साल एडमिशन नहीं मिला। तो हमने कहा, आप, हमारे को कहा गया कि आप बीएससी करो, तो हमने पूरी बीएससी कर ली, और उसके बाद हम इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकंड ईयर में एडमिट हो गए। इंजीनियरिंग करने के बाद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारा फेवरेट सब्जेक्ट था, हमने इसी में करेंगे और कोई करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में विश्वेश्वरैया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। मैंने कहा वहाँ नहीं जाऊँगा मैं, यहाँ मैकेनिकल में करूँगा। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शन एक ये था कि आप जॉब ले लीजिए, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे एक PWD में, उनके मित्र थे, उनसे कह के मुझे कहा कि इनको जूनियर इंजीनियर लगा दीजिए आप, बोले हाँ आ जाइए, इनको जूनियर इंजीनियर लगा लेंगे हम। पर मेरा ख्याल ये नहीं था कि मैं PWD या इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करूँ, बिकॉज राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इन एरोनॉटिक्स, समथिंग वेयर आई कैन एक्सरसाइज माई हॉबी टू लॉन्च रॉकेट्स और डू एयरक्राफ्ट। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स प्यार था जी। तो मैं पिताजी को बिना कहे मैंने अपने भाई से थोड़े पैसे लिए, और मैंने कहा मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर जा रहा हूँ, मेरा वहाँ एडमिशन हो गया है, और मैं वहाँ जाके एरोनॉटिक्स में MA करूँगा। तो घर में सब परेशान हो गए, फादर उस समय थे नहीं, और मैं बिना उनको कहे हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जाके मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मुझे टेस्ट वगैरह होते हैं एडमिशन देने के लिए, तो टेस्ट वगैरह हुए, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि आपको हम एरोनॉटिक्स में नहीं देंगे, हम आपको IC इंजन में देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो एरोनॉटिक्स के लिए आया हूँ। बोले नहीं, आप खाली 16 सब्जेक्ट जो है वो IC इंजन के पढ़िए, बाकी 40 सब्जेक्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने एडमिशन ले लिया, और मैंने पूरे सब्जेक्ट्स जो है एरोनॉटिक्स से लिए और IC इंजन से लिए, और पूरी पढ़ाई रॉकेट्स, कम्बशन, एयरक्राफ्ट, इन सभी विषयों में मैंने अपना ज़्यादा ध्यान दिया। MA करने के बाद मेरे पास अगेन एक समस्या आई। मेरे पास 3 या 4 जॉब्स थे जो कैंपस रिक्रूटमेंट में हो जाते थे। एक जॉब था कि आप, एक कंपनी होती है पुणे में जो IC इंजन बनाती है, रस्टन एंड हॉर्न्सबी, आप वहाँ, उन्होंने कोई सर्विस इंजीनियर या मेंटेनेंस इंजीनियर का जॉब दिया मुझे। एक माइको बॉश थी बैंगलोर में जी जी, उन्होंने RD में जॉब दिया, वो गाड़ियों के जो पार्ट्स बनाते थे, ये स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, ये सब बना, ये माइको बॉश जर्मन कंपनी, जर्मन कंपनी, उस समय तो काफ़ी टॉप में थी वो। और एक DRDL के लोग आए थे, उन्होंने कैंपस रिक्रूटमेंट किया था, उन्होंने हमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर Grade 2 के लिए एडहॉक रिक्रूटमेंट कर लिया, DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में। और एक कोई गाजियाबाद की कंपनी थी, मुझे याद नाम नहीं आ रहा है, उसने मुझे कुछ सिलेक्ट किया IC इंजन के लिए। तो अब मेरे पास दुविधा ये थी कि मैं जब माइको में लेना चाहता था, तो जब माइको में गया तो वहाँ मेरे को जरा जो जर्मन वहाँ के जो CMD थे उनसे मेरी तकरार हो गई। तकरार इस बात पर हुई कि उन्होंने पूछा आप कितनी सैलरी लेंगे। मैंने कहा आप मेरे से जो 1 साल सीनियर हैं उनको आप 800 रुपये देते हैं, तो आप मुझे 750 रुपये दो। बोले नहीं, हम तो आपको 600 रुपये देंगे। मैंने कहा नो, आई कैन नॉट कम्प्रोमाइज़ ऑन दैट, एकेडमिकली आई हैव डन बेटर देन माई सीनियर एंड आई थिंक आई डिड वेरी वेल इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, सो आई विल नॉट जॉइन अनलेस यू गिव मी सेम 750 रुपीज़। सो ही सेड वी लेट यू नो, एंड आई थिंक द नेगोशिएशंस ब्रोक एट दैट पॉइंट इन टाइम। Then I consulted and I realized if I really want to do aeronautics and also rockets, DRDL is the right place to join. Because DRDL के बारे में जब मैंने पता लगाया तो ये पता लगा कि वहाँ rockets बनते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैंने उसके बारे में पता लगाया तो पता लगा कि वहाँ rockets बनाए जाते हैं, missiles बनाए जाते हैं। मैंने कहा this is the right place. Immediately after completing my project work and finishing my VIVA, next day I took a train and came to Hyderabad. एंड ज्वाइन DRDL। अच्छा सर, यहाँ से आपका सफर शुरू होता है DRDL एंड रॉकेट्स। और जो पहला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो मुझे याद है सर जब आपने मास्टर को स्लेट फेंक के मारी थी, फर्स्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, दैट वाज अ रियल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सर, वो एक मिसाइल थी।
दूसरे जो आपने रॉकेट छोड़े सर दिवाली में, एंड देन दैट पैशन एज अ चाइल्ड यू नो एक होता है, देन फिर आपने यूरी गैगरिन की आपने बोला कि मैंने हिंदुस्तान बट यूरी गैगरिन एपिसोड रियली अफेक्टेड माय कंप्लीट थिंकिंग. उससे आपको हैविंग सीन अ पर्सन गोइंग इनटू स्पेस एंड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्रोबेटिक्स देयर गोइंग अराउंड द अर्थ वाज सच एनचेंटिंग एपिसोड दैट इट एच्ड इन माय मेमोरी कंप्लीटली. पूरा थिंकिंग चेंज कर दिया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए. अच्छा, और उसके बाद भी मैं बात बताऊं जी, देन आई रियलाइज कि अगर मुझे यूरी गागरिन जैसा करना है तो आई शुड नॉट ओनली बी डिजाइनिंग रॉकेट बट आई शुड फ्लाई माई सेल्फ. तो उसके लिए मैंने एज आई वॉज डूइंग माई एम टेक ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वेंट एंड अटेंडेड एन इंटरव्यू फॉर ज्वाइनिंग एयरफोर्स. आई वॉज इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमी, देर वॉज अ रिक्रूटमेंट सो आई जस्ट वेंट देयर. द इंटरव्यू वॉज हेल्ड इन बनारस, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है उससे, तो हमने उसमें इंटरव्यू दिया और हम सिलेक्ट हो गए. हमारा मेडिकल हुआ तो बोले आप घर जाइए, आपकी चश्मा बहुत लंबा है, यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड. आई हैड माय -5 पावर था तो मेडिकल में हमको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया, अदरवाइज आई प्रॉब्ली वुड हैव जॉइन इंडियन एयरफोर्स एट दैट टाइम. अच्छा, तो सर आप DRDL पहुँचे सर? मैं DRDL पहुँचा उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी. Having got education for 2-2.5 years in Indian Institute of Science, one of the premier institutions of the country, I had been exposed to the best of the equipment, best of the faculty, best of the colleagues and friends. It was a very, very fruitful and enchanting kind of an environment in ISC. It actually transformed my thinking completely from what I was in as a BTech student in Gwalior and what I gained during my stay in ISC. It completely changed my thinking as a scientist. In fact, that turned me into a scientist. The quest for research, quest for inquisitiveness, learning about new ideas, how to do research. I think all these elements I could gather while I was in Indian Institute of Science. Sir, ये भी तो होता है ना कि engineer और scientist में फर्क क्या है? एक ये भी तो बात है सर, इंजीनियर तो बहुत होते हैं, साइंटिस्ट कम होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियर एंड साइंटिस्ट? वो आपका पॉइंट कब आया व्हेन यू रियलाइज दैट नो आई एम अ साइंटिस्ट एक्चुअली? वो वही आया जब मैं एमई की प्रोजेक्ट कर रहा था जी. तो दो तरह की प्रोजेक्ट हमें चॉइस दी गई थी. एक थी कि आप IC इंजिन्स ले लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कीजिए, हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दैट, दैट वॉज काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट. अनदर प्रोजेक्ट वॉज when the combustion of the fuel takes place inside a IC engine or in a rocket engine, there is a science behind that, there is a physics behind that, that fuel gets evaporated, then it gets mixed with the air, then there is a trigger of combustion, there is a pressure rise, there is a thermodynamic cycle. So this is the science behind the combustion. So when I realize that, I have some kind of a penchant for that kind of a thinking. So I chose that project. And while doing that project, I turned from an engineer into a scientist. The more and more I got into the details of how the combustion process takes place, usme vaporization kaise hota hai, usme reaction kinetics kaise hota hai. Research bent of mind isko wahan se shuru hua mera. Aur jab mera campus recruitment bhi ho raha tha, DRDL ke log jab aaye mujhse poochne ke liye ki aap kya kar rahe hain, तो मैंने बोर्ड पे जाके उनको 15 मिनट में पूरी अपनी प्रोजेक्ट ऐसे एक्सप्लेन की जैसे कोई टीचर अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हो कि मतलब ये सब्जेक्ट क्या है. तो उससे मुझे लगा कि आई हैव दी लीनिंग्स फॉर गोइंग इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ एनी इंजीनियरिंग साइंस. आई कॉल इट इंजीनियरिंग साइंस, साइंस विच लीड्स टू इंजीनियरिंग. सो आई फेल्ट दैट दैट वॉज माई लिंक. सो आई थिंक इट बिकेम kind of an area that I should be doing more fundamental work related to engineering rather than doing pure design of infrastructures and things like that, or maybe bridges or dams and all that, which is a typical engineer does. Your imagination is your limitation. आप जितना सोचें जितना कर सकते हैं उतना करें. अच्छा सर एक बात बताइए, मैं जब मैंने आपका प्रोफाइल देख रहा था, उस लुकिंग एट योर प्रोफाइल, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि कलाम साहब से मिलना होगा सर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से? Of course, Kalam has been my guru for almost 25 years. देखिए 1972 में मैंने DRDL ज्वाइन किया. 72 से लेके और 82 तक 10 साल हम लोग DRDL में थे बिफोर कलाम साहब केम एंड ज्वाइन DRDL एज डायरेक्टर DRDL. आई हैड नोन कलाम एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3
when he was in the Department of Space, and we were all following him because space launches used to be one of the major things in those days. And having a lot of interest in rocketry, launch vehicles and all that, obviously we were following all that. Here we were trying to do missiles, there they were doing the launch vehicles for launching satellites. So there was a kind of a parallel approach which was going on. During this period of 10 years, I learned how to develop the science for rockets, missile propulsion. So mera kaam ye tha ke missile ke jo rocket engines hai, unko कैसे डिज़ाइन करना, रॉकेट इंजन को कैसे वर्क उनका होना, उनको टेस्ट करना, उसके लिए टेस्ट फैसिलिटीज़ बनाना, उसके लिए उसकी डिज़ाइन बनाना, उसके लिए फ्यूल तैयार करना, तो ये सब काम हम लोग करा 10 साल। और फिर हमने ये भी किया कि इसको जो रॉकेट इंजन बनाया इसको किसी मिसाइल के साथ जोड़ के पहले टेस्ट फ्लाइट में भी करना। तो हमारे पास उस ज़माने में एक रशियन मिसाइल हुआ करता था SAM-2, हमने अपना इंजन लिया और वो SAM-2 में उसको इंटीग्रेट किया। और श्रीहरिकोटा में हमारी रेंज होती थी, हमारी रेंज नहीं थी, DRDL के उस समय रेंज नहीं थी, तो हम श्रीहरिकोटा रेंज से जाके हमने 1982 में जब कलाम साहब आए तब टेस्ट किया। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई इंटरेक्टेड विद डॉक्टर कलाम बिकॉज ही हैज जस्ट जॉइन एज ए डायरेक्टर एंड ही आस्क्ड मी व्हाट विल यू डू इन दिस मिशन। आई सेड आई एम द प्रोपल्शन गाय, नो नाउ इन दिस रॉकेट व्हाट विल यू डू। I said, you tell me what I am supposed to do. My engine is already integrated. You tell me what I am supposed to do. तो उन्होंने कहा तुम सेफ्टी ऑफिसर बनो बिकॉज आप जो है पूरे प्रोपेलेंट्स आपने डाले हैं इसमें, इंजन आपका है, एयर प्रेशर आपका है, सेफ्टी जो है रॉकेट की आपके द्वारा है, तो आप सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे। दैट इज़ हाउ ही ट्रेंड मी इन टू वाट इज़ कॉल्ड रेंज एक्टिविटीज़। सो सेफ्टी ऑफिसर का काम ये होता है कि जो भी लोग रेंज में काम कर रहे हैं हर एक को आप ओवरसी करना। दैट वाज अ गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी एज फार एज व्हाट कलाम। सर एक बात बताइए, कलाम साहब के बारे में कुछ बताइए ना, कैसे थे कलाम साहब? कलाम साहब इज अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी, ही इज अ वेरी अम्बल मैन, ही इज नॉट वेरी अथॉरिटेटिव, ही इज वेरी डेमोक्रेटिक, बट ही इज वेरी फोकस्ड, हाईली फोकस्ड पर्सन। दीज आर सम ऑफ हिज क्वालिटीज। And one more quality about Dr. Kalam is, which I realized at a later stage, that he can make people of diverse opinions talk to each other towards a common cause. Leadership. North Pole, South Pole को साथ में लाके काम करा सकते थे वो, ये उनकी क्षमता थी। तो कलाम साहब जो 1982 में 83 में आके IGMDP के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उन्होंने शिलान्यास किया और भारत सरकार से उसकी जब उन्होंने सैंक्शन ले ली, तो उन्हें ढूंढना था प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स। एंड ही वाज न्यू टू DRDO बिकॉज ही हैज स्पेंट ऑल हिज टाइम इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, टू DRDO वाज न्यू। एंड हिज बॉस वाज डॉक्टर अरुणाचलम, हु वाज द देन द साइंटिफिक एडवाइजर। एंड डॉक्टर अरुणाचलम वाज ऑल्सो द प्रायर टू बिकमिंग द साइंटिफिक एडवाइजर was the director of DMRL, one of the laboratories of DRDO. So he had known me very well, Dr. Arunachalam had known me very well, and he knew what positives and negatives I have. तो जब ये selection हो रहा था कि किसको project director बनाना किसको नहीं बनाना, 5 projects होनी थी, तो उन्होंने कहा कि I being the youngest, इसको deputy project director बनाते हैं पृथ्वी मिसाइल का, जिसके लिए इसने engine तैयार किया है। तो वहाँ से मेरी selection की process शुरू हुई। तो आपने पृथ्वी मिसाइल का इंजन तैयार करा तैयार किया था। अब पृथ्वी के बारे में बताइए सर। पृथ्वी की कहानी ऐसी है, देखिए जब हम ये इंजन बना रहे थे 70s में, तो इट वाज डिज़ाइन बेसिकली टू मीट सम रिक्वायरमेंट ऑफ ए मिसाइल। वी हैड नॉट हैड एनी स्पेसिफिक मिसाइल इन माइंड, बट वी न्यू दैट दिस इंजन कैन टेक a payload of something like 1,000 kgs to a distance of more than 150 to 200 kilometers. तो जब ये बात हमारे दिमाग में थी, उसी समय 1979 में इंडियन आर्म फोर्सेज सेड दैट दे वांटेड टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, दैट मीन्स जिसको कि हम बोलते हैं सपोर्ट, दैट इज टैक्टिकल मिसाइल्स टू सपोर्ट द आर्टिलरी। तो उन्होंने एक
GSPR पेश की। उन्होंने कहा कि आप 150 किलोमीटर्स का एक मिसाइल बनाइए विद अ पेलोड ऑफ 100,000 kg। तो ये GSPR आर्मी से है। हाँ, GSPR आर्मी से है जी। और हमारे पास जब GSPR आ गया तो हमारे यहाँ एक टीम बनाई गई, डॉक्टर कलाम ने के आने से पहले की बात है ये, तो टीम बनाई गई और उस टीम में हम लोग थे और हम लोगों ने उसका पूरा डिज़ाइन किया। हमने ये रियलाइज़ किया कि 1,000 kg अगर हमें भेजना है तो एक इंजन से काम नहीं चलेगा, हमने दो इंजन साथ साथ लगाने पड़ेंगे। तो ट्विन इंजन बनाने लगाए हमने। अब ट्विन इंजन को लगाना और सिंगल इंजन को लगाना मिसाइल में हैज़ ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। तो उस ट्विन इंजन को मिसाइल में किस तरह लगाया जाएगा, किस कॉन्फ़िगरेशन में लगाया जाएगा, उसकी टेस्टिंग पहले हमें ग्राउंड में कर ली। कलाम साहब के आने से पहले ये दो इंजन साथ साथ हमने पहले टेस्ट कर लिए। तो जब 1983 में जब 82 में जब कलाम साहब आए तो हमने उनको दिखाया, तो कलाम साहब के साथ हमारा वहीं से डिस्कशन शुरू हुआ। कलाम साहब ने कहा आप ये लिक्विड रॉकेट इंजन पृथ्वी के लिए लगा रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। क्यों सर? बोले नहीं, ये बहुत कम्बरसम है, इसमें बहुत सारा लिक्विड प्रोपेलेंट है, स्टोरेज प्रॉब्लम होगा, इसका रिलायबिलिटी कम होगी, ये होगा। देखिए SLV-3, वो SLV-3 से आए थे जी जी, वहाँ पे सॉलिड रॉकेट मोटर है, वहाँ कितना आराम से चलता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैड ए बैड एक्सपीरियंस इन SLV-3 ऑन लिक्विड प्रोपेलेंट्स। उनका जो एक रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम था वो लिक्विड प्रोपेलेंट का था, वो एक SLV-3 लॉन्च में फेल हो गया था। तो उनका वो बैकग्राउंड से उन्होंने तो इसके ऊपर हमारा काफ़ी तीन साल तक हमारा डिस्कशन चलता रहा कि वो हमें कहते रहे कि देखो नहीं, तुम लिक्विड इंजन के बजाय सॉलिड डालो, और हम कहते रहे नहीं, हम लिक्विड ही डालेंगे। इसमें उसके दो रीज़न हैं। हमने कहा कि हमारा जो लिक्विड इंजन है काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, इसको हमने टेस्ट किया है और हमने उनको पूरी स्टेज पृथ्वी की बना के वो भी टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि देखो पूरा प्रोपेलेंट टैंक इंजन वंजन सब बना दिया है, तो अब हम वापस सॉलिड में जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, सॉलिड इंजन उस कैपेबिलिटी का कहीं भी अवेलेबल नहीं था, ना तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में था ना हमारे पास था। सॉलिड इंजन की उस ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी थी कि बर्न टाइम जो होता था, आप क्योंकि आर्मी से आप समझ जाएंगे, जो बर्न टाइम होता था वो बहुत कम होता था, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 10 सेकेंड। हमको चाहिए था 45 सेकेंड, 50 सेकेंड तक कम से कम चलने वाला सॉलिड इंजन, एंड दैट टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। तो इन सब बातों में जब डिस्कशन हुआ तो कलाम साहब ने कहा कि अच्छा, अगर आपको ये इंजन लगाना है तो आप सबसे पहले इसमें मुझे 5 कंटिन्यूस टेस्ट करके बताइए जो कि बिना फेलियर के डिमॉन्स्ट्रेट हों, देन आई विल बिलीव इट। और उसके पहले उन्होंने कहा कि जो काम आपने अभी तक किया है इसका मैं नेशनल रिव्यू कराऊँगा, अगर नेशनल रिव्यू टीम ने इसको पास कर दिया तो हम आगे जाएंगे। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ DRDL ए नेशनल रिव्यू ऑफ एनी टेक्निकल एक्टिविटी वॉज कैरिड आउट, देयर वॉज नो सच प्रैक्टिस। तो स्पेस डिपार्टमेंट से, CSIR से बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े डेवलपमेंट पीपल आए, कम से कम 15 लोगों की टीम जो है 3 दिन हमारे डिज़ाइन को उन्होंने बिल्कुल डिसेक्ट किया और जितने भी हमारे टेस्ट अभी तक किए थे हर एक टेस्ट का रिकॉर्ड देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये इंजन ठीक है, इसको अगर ये 5 लगातार टेस्ट सक्सेसफुल दिखाते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। टू माय गुड लक एंड टू द गुड लक ऑफ माय टीम वी कुड डिमॉन्स्ट्रेट 5 सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द इंजन, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन ऑफ सॉलिड वर्सेज लिक्विड वॉज पुट टू रेस्ट। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। अच्छा सर, आजकल आप नीति आयोग में, यूर मेंबर ऑफ द नीति आयोग सर, सो आपकी आजकल ड्यूटीज क्या चल रही हैं सर? दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, नीति आयोग में आप क्या काम करते हैं, अगर आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, नीति आयोग में मैं आया 2015 में जनवरी में, तो यहाँ सबसे पहला काम मैंने जो शुरू किया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। मैं बैकग्राउंड डिफेंस से आया था, DRDO से आया था, उससे पहले मैं सेक्रेटरी DRDO रहा, चेयरमैन DRDO रहा, Agni-5 का लॉन्च करके आया था जस्ट, तो उससे मेरा बैकग्राउंड ये था कि अगर मैं नीति आयोग में हूँ तो क्यों ना मैं डिफेंस को आगे ले जाऊँ। पर यहाँ मुझे कहा गया कि देखिए, नीति आयोग का रोल डिफेंस ही नहीं है, इसका रोल बहुत बड़ा है, यू हैव टू वर्क ऑन ए डिफरेंट कैनवस नाउ।
तो मैंने कैनवस में दो चीज़ें चुनी। मैंने कहा आई विल वर्क ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, आई विल वर्क ऑन एनर्जी। क्योंकि क्या हुआ था, मेरा रिटायरमेंट डीआरडीओ से हुआ 2013 मई में, 2013 मई से लेके और 2015 जनवरी तक आई वॉज होमी भाभा चेयर प्रोफेसर इन IIT हैदराबाद एंड आई वॉज टीचिंग देयर फॉर अबाउट ए ईयर एंड डूइंग रिसर्च ईयर एंड हाफ प्रॉब्लम एंड आई वॉज ऑल्सो प्रिंसिपल एडवाइजर टू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन R&D। वाइल बींग देयर आई पिकड अप इंटरेस्ट इन एनर्जी, तो वहाँ से मैंने हाइड्रोजन, ई मोबिलिटी, गैसिफिकेशन ऑफ कोल, तरह तरह की जो टेक्नोलॉजीज थी उन पर काम करना शुरू किया। उस बैकग्राउंड से जब मैं नीति आयोग में आया तो मैंने यही चुना। तो मैं आजकल जो काम करता हूँ वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, तो जितने भी हैं, तो जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए मिशन अभी शुरू हैं, जैसे क्वांटम मिशन जो कल ही भारत सरकार ने लॉन्च किया है, हाइड्रोजन मिशन जो कि लॉन्च हुआ है, उसके पहले साइबर फिजिकल सिस्टम CPS का भी एक मिशन लॉन्च हुआ है, ये सब की कॉइनेज, इन सब की तैयारी ये नीति आयोग और कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ मिलके की गई है और पहुंचाई गई है, तब सरकार ने उसकी सेंक्शन दी है। इस तरह के हम काम करते हैं। अब आजकल हम काम कर रहे हैं कि स्टेट्स के साथ, स्टेट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ा जाए, इनोवेशन के ऊपर भी हम काम करते हैं। यहाँ इनोवेशन में जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इनोवेशन मिशन, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक मेन फेवरेट सब्जेक्ट है, वो हमने यहाँ शुरू किया। इनोवेशन के ऊपर इतना काम हुआ इस देश में बिकॉज ऑफ दी स्कीम्स कि अब आप देखिए, जब मैं 2015 में आया था तो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वॉज 85, आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40 तक पहुंच गए। आज हमारे यहाँ 3,000 स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं क्लास के छोटा छोटा इनोवेशन कर रहे हैं, कोई ऑटोमेटिक कार बना रहा है, कोई गैसीफायर बना रहा है, कोई छोटा खिलौना बना रहा है, कोई बड़ी बड़ी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो मतलब इन चीज़ों में हमने ज़्यादा ध्यान दिया। तीसरा चीज़ हमने यहाँ एक काम किया भारत डिफेंस के लिए, वो मैंने काम किया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, क्योंकि हमारे कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे कश्मीर में या झारखंड में या इधर छत्तीसगढ़ में कई लोग CRPF जवान वगैरह मर गए, गोली से मर गए, कभी ऐसा लगा कि शायद बुलेट प्रूफ जैकेट वॉज नॉट गुड। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, इसको कैसे भी सॉल्व करिए। सो क्रिएटेड ए कम्प्लीट स्टडी हियर हाउ टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस ऑफ ऑल आवर ब्लड प्रूफ जैकेट्स। तो मैंने एक साल काम करके पूरे स्टैंडर्ड्स बना दिए। भारत सरकार के अभी BIS स्टैंडर्ड्स हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के, जो कि पूरी इंडस्ट्री उसके हिसाब से अब बुलेट प्रूफ जैकेट बना रही है, और उसमें जो इम्पोर्ट कंटेंट था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया। एक ज़माने में हम 90% इम्पोर्ट करते, हमारी जैकेट ही बाहर से आती थी। जी, अब आजकल जैकेट बाहर से आना बंद हो गया है, अब जैकेट्स यहीं बनती हैं, और एक इंडस्ट्री नहीं है, कम से कम 6 या 7 इंडस्ट्रीज़ को बना रही हैं। और अभी हमने रिसेंटली चिंतन शिविर किया, जिसमें थिंक टैंक्स के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मिनिस्ट्रीज़ के साथ और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, सबके साथ विचार विमर्श किया और इस पर बताया कि अगर हमें 2047 में विकसित भारत बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से हर एक को अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, किस क्षेत्र में जो कमियां हैं उनको कैसे पूरी करना चाहिए, और नीति आयोग को क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे कि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। तो हमारा कैनवस आज बहुत ज़्यादा है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बड़ा अच्छा लगा और हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि आपने वक्त निकाला। दोस्तों, डॉक्टर VK सौरत साहब के साथ हम लोग बात कर रहे थे, और किस तरीके से मैंने आज तक मुरैना के बारे में, मुरैना की गजक सुनी थी मैंने सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुरैना की गजक बड़ी मशहूर है, और मुरैना बिल्कुल बीचों बीच चंबल गया सर, वहाँ के बागी भी बड़े मशहूर हैं, और वहाँ से एक बच्चा निकलता है, ग्वालियर जाता है और इंडिया का टॉप साइंटिस्ट बनता है, अपने आप में एक बड़ी तगड़ी कहानी है। पृथ्वी मिसाइल की बात करी डॉक्टर साहब ने, इन्होंने बात करी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, किस तरीके से Agni 5 का लॉन्च करा। आई होप आपको एक एपिसोड बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। मैं अगले हफ्ते मिलूंगा एक और गेस्ट के साथ। देखते रहिए द गौरव आर्या शो। जय हिंद।